जय हिंद दोस्तों, मैं सेना सेवा कोर आर्मी सप्लाई कोर का जवान हूँ। मेरा नाम सिपाही जादव कमलेश कुमार गोकुलभाई है। मैं गुजरात सोमनाथ या जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। कल मैंने एक वीडियो वायरल भी किया था और आज भी एक वीडियो वायरल कर रहा हूँ कि जो इंडियन आर्मी में हो रहा है। मैं जब छोटा था तब मेरा एक ही ध्येय था कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाऊं और देश की सेवा करूं और राष्ट्र की सेवा करूं। ना मेरा कोई समाज है, ना मेरा कोई धर्म है। ये देश की सेवा करना वो मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ये देश, इंडियन आर्मी और देश की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा समाज है। और इन्हीं इंडियन आर्मी के बीच में ही मुझे रहना है। इन सब मेरे भाइयों के साथ मुझे खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना सब इनके साथ है। इन लोगों के साथ मैं खाता पीता रहता, लड़ता झगड़ता हूँ जो भी है। कल मैंने एक वीडियो वायरल किया था, उसके माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडियन आर्मी के अंदर, जबकि मैं इंडियन आर्मी में सिर्फ देश की सेवा के लिए भर्ती हुआ हूँ और मुझे आज भी बॉर्डर पर भेज दो, जो अगर दुश्मन गोली मारता है उतना उसका उतना दुख नहीं होता जितना मुझे अपमानित किया गया है, उसका मुझे दुख हुआ है। मैं काफ़ी दुख, मुझे बहुत दुख दुख हुआ है जिसको मैं शब्दों में आपसे बयान नहीं कर सकता, आपको नहीं बता सकता। मैं 26 राष्ट्रीय राइफल्स कुमाऊं रेजिमेंट जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हूँ स्थित, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इस यूनिट में 26 राष्ट्रीय राइफल की अल्फा कंपनी में मैं अपनी पर्याप्त ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो कल रात को मैं ड्यूटी से उतरकर 8 बजे डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए गया, जबकि आज तक हमें सिर्फ उसी नज़र से देखा जाता था, अछूत जाति की नज़र से देखा जाता था। मैं जाति पाति को नहीं मानता, मैं सिर्फ देश की सेवा को मानता हूँ। ना मैं, मेरी कोई जाति है, ना मेरा कोई मजहब है, ना मेरा कोई धर्म। मेरा धर्म है तो मेरा हिंदू धर्म, में मेरे हिंद देश की सेवा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म को मैं कठोरता से निभा रहा हूँ, हिम्मत से निभा रहा हूँ। मगर मुझे ये नहीं पता था कि इंडियन आर्मी में भी जातिवाद होता होगा। मगर जब मैं डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए गया तो हमारा एक सीनियर ने मुझे बताया गया, बोला तू अछूत है, तू दलित है, तू हरिजन है, तू चमार है, तू डाइनिंग हॉल में खाना नहीं खा सकता। तो मैंने सिर्फ उसको यही एक सवाल पूछा कि सर, इंडियन आर्मी की रूल्स रेगुलेशन की जो किताब है उनमें से आप मुझे ये साबित करके दिखाइए। मुझे दिखाई यही है कि ये कौन से रूल्स में लिखा हुआ है। तो उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था, मगर मुझे धक्का मार के डाइनिंग हॉल से बाहर निकाला गया। उसके बाद मैं हमारे कंपनी महोदय जो ऑफिसर कमांडिंग ओसी साहब को, मेजर पुनीत शाह करके थे, तो मैं पुनीत शाह साहब के पास गया। मैंने बोला जय हिंद साहब, उसके रूम में गया डायरेक्टली मिलने के लिए, बोला हाँ जय हिंद। तो मैंने बोला साहब, मुझे डाइनिंग हॉल से बिना खाना खाए निकाल दिया गया। बोला क्यों? मैंने बोला साहब, मैं दलित हूँ, हरिजन हूँ, चमार नहीं हूँ साहब, मैं अछूत नहीं हूँ। बोला, उसने मुझे धक्का दिया और बोला तू मेरे रूम में कैसे आ गया, तू दलित है, तू अछूत है, तो तेरे आने से मेरा रूम अपवित्र हो गया, तू मेरे रूम में कैसे आया था, इसे करके उसने मुझे धक्का दिया और निकाल दिया। उसके बाद मेरे पे मेंटली मुझे इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि रात भर मुझे ना सोने दिया और ना जागने दिया। मेरी वो हालत कर दी इन सब ने मिलकर कि मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। मैं आपको बताने से बहुत, मेरे दिल में बहुत ठेस पहुँच रही है कि इंडियन आर्मी का एक जवान ऐसे वीडियो वायरल कर रहा है, क्योंकि मजबूरी है, मुझे करने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं चाहता कि इंडियन आर्मी की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिले, मगर चंद कुछ ऑफिसर्स और कुछ अधिकारी महोदय जो है, जो इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आज मेरे साथ जो चीज़ हुई है कल किसी और के साथ भी हो सकते हैं। ना मैं अपने समाज के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ। और मेरे देश में इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी फोर्सेस में जो ये चीज़ हो रही है, छूत अछूत वाली जो बातें हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, आज तक ना मैंने कभी किसी यूनिट में देखा है ना सुना है। ये पहला किस्सा होगा कि मैं ये जातिवाद का शिकार बना हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई अगला भाई आए तो वो भी एक कठिनाइयों का सामना करे, उसको भी यह झेलना पड़े, उसको भी बाहर खाना खाना पड़े और उसको भी इन सब से झुकना पड़े। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जनता से कि जो मैंने यह वीडियो वायरल किया उसमें ना मैं कुछ गलत कर रहा हूँ,
और ना कुछ गलत होने दूंगा। ये मैं नहीं जानता कि आगे मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा आगे मेरे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा और मुझे किस हिसाब से देखा जाएगा, किस नज़र से देखा जाएगा और मेरे साथ क्या क्या मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, वो मैं नहीं जानता। और दोस्तों, ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं ना वीडियो अपलोड करूँगा, ना ही वीडियो शेयर करूँगा, ना किसी और को मेरी कंडीशन के बारे में बता पाऊँगा। मगर हो सके तो आप मुझे सपोर्ट दीजिए। और ये जो इंडियन आर्मी के अंदर जो छुआछूत हो रहा है, जो मैं उसका शिकार हुआ हूँ, तो मैं नहीं चाहता कोई और भी हो, तो इसको मिटाने के लिए मेरा सहयोग दीजिए। और मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ और माननीय श्री कुमारी मायावती जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए और जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और इसके ऊपर आप जो भी डिसीजन ले सके जल्दी लीजिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आगे मेरा हश्र क्या होगा, मेरी क्या हालत होगी, मुझे किस नज़र से देखा जाएगा और मेरे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सुबह से मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि मेरी आंखें कितनी सूजी हुई है और ना मैं सुबह से खाना खाया हूँ। और मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, एक प्रण लिया है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मुझे मान सम्मान से के साथ मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जिस अपमान जो अपमान करके मुझे डाइनिंग हॉल से निकाला गया था, वही मान सम्मान के साथ मैं जाना चाहता हूँ, जबरदस्ती नहीं जाना चाहता हूँ। मानता हूँ मैं दलित हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? दलित हूँ तो दलित होना पाप है? नहीं ना। तो फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है, एक इंडियन आर्मी का जवान तभी रोता है आप सबके सामने जब वो खुद लड़ने के लायक नहीं रहता। मत मैं देश के लिए लड़ना चाह रहा हूँ, मगर देश के अंदर जो है, जो छुआछूत का शिकार हमें बना रहे हैं, उसके साथ मैं नहीं लड़ सकता। तो उसके लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए, और ये वीडियो जहाँ तक इस वीडियो को पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँच जाए और मुझे न्याय मिले। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कभी भी फ़ोन या मैसेज कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9797086941। नंबर दोबारा सुने, 9797086941। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं नहीं जानता कि मेरा आगे क्या होगा, मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। ये मेरा दोस्तों लास्ट वीडियो है, और प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हो सके अपने ग्रुपों में दीजिए और मुझे न्याय दिलाए। मैं न्याय के लिए तरस रहा हूँ और मुझे आपके आपका सपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर पे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।